नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। कोरोना का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। शासन ने तय किया था लगातार कवरेज कर रहे पत्रकारों का भी कोरोना टेस्ट होगा। आज रीवा के ऋतुराज पार्क में कोरोना का टेस्ट हुआ, पत्रकारों के टेस्ट हुए। नई किट थी, तुरंत ही रिपोर्ट आ रही थी 10 मिनट के अंदर। 24 पत्रकारों के कोरोना के टेस्ट हुए, जिसमें एक दुखद खबर ये है कि एक पत्रकार कोरोना पॉजिटिव पाया गया, उसको क्वारंटाइन कर दिया गया है। परिजनों को भी कहा जाएगा अब आगे की जो प्रक्रिया है उसको भी पालन किया जाएगा और क्वारंटाइन सेंटर में रखकर इनका आगे का इलाज किया जाएगा। इस बारे में हमने रीवा CMHO डॉक्टर RS पांडे से बात की। आइए आपको सुनाते हैं ताजे अपडेट और आज के लेकर वो क्या कुछ कह रहे हैं। अभी तक हमने यहाँ पे 24 लोगों का 24 लोगों का टेस्ट किया हुआ है और उस 24 में एक व्यक्ति हमारे पॉजिटिव आए हैं, पत्रकार बंधु। हालांकि उनको कोई ज़्यादा सिम्टम विम्टम कुछ भी नहीं था, सामान्य जांच थी और उसमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। एक पॉजिटिव आने का मतलब है कि माइल्ड इन्फेक्शन है और ये 10 दिन हम आइसोलेट रह के इनको रखा जाएगा और इसके बाद ये धीरे अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे, कोई समस्या इसमें से नहीं। किस पद्धति से आप लोग आज ये हम रैपिड एंटीजन किट आता है, एंटीजन किट आता है जिसमें कि 15 से 30 मिनट में रिपोर्ट पता चल जाती है और उसी एंटीजन किट से ही हमने किया, इसकी जांच करी है। इसको 100% ऑथेंटिक है रिपोर्ट्स में। यदि पॉजिटिव है, चूँकि उसमें पॉजिटिव टेक्नोलॉजी है तो जो पॉजिटिव दिखता है वो पॉजिटिव रहता है। इसके बाद यदि निगेटिव दिखता है तो निगेटिव में भी दो तरह का होता है, उसको सिम्टम थे या नहीं। यदि सिम्टम नहीं थे और निगेटिव आया है तो 100% निगेटिव है, और सिम्टम थे और निगेटिव आ गया तो फिर उसका हम RT-PCR से सैंपल लेके मेडिकल कॉलेज भेजते हैं। चूँकि ये डबल उसमें डायरेक्ट पॉजिटिव आया है, सिम्टोमेटिक निगेटिव का कोई प्रकरण नहीं था, इसलिए हमारी 24 में से 23 निगेटिव और एक पॉजिटिव ये हम डिक्लेयर करते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और देखते रहिए न्यूज़ नेटवर्क टुडे।